हेलो फ्रेंड्स, मोरे इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप इस चैनल पे नए हैं और आप सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अपनी मनपसंद वस्तु के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सो लेट्स बिगिन। हेलो गाइज, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो ये वीडियो कोई पेड और स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है। इसका सिलेक्शन, इस प्रोडक्ट का सिलेक्शन इसके परफॉर्मेंस, फीचर्स एंड यूजर फीडबैक के बाद दिया हुआ है। गाइज, ये वीडियो आपको बेस्ट वॉशिंग मशीन चूज करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो गाइज, आपके मन में क्वेश्चन आते हैं कि आपको कौन सी वॉशिंग मशीन खरीदनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, अपने आपके घर में कितने मेंबर्स है, उसके लिए कौन सी सुटेबल रहेगी। तो गाइज, आपको ये इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। गाइज, हमने LG, सैमसंग, वर्लपूल, हाइयर, पैनासोनिक, IFB इन सब वॉशिंग मशीन के बारे में ऑल अबाउट रिव्यू दिया है। उन वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज, वॉशिंग मशीन दो तरह की होती है। ये पहली होती है वो सेमी ऑटोमेटिक में आती है और दूसरी वाली फुल्ली ऑटोमेटिक में आती है। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो टाइप आते हैं। एक जो होता है वो टॉप लोड होता है और दूसरा फ्रंट लोड आता है। आप फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो ये डिसीजन आपका बिल्कुल सही है। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको वॉशिंग मशीन स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना पड़ता है। वॉशिंग मशीन में अलार्म बज जाने के बाद आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बातें जरूर याद रखनी चाहिए। वॉशिंग मशीन खरीदते समय वॉशिंग मशीन की जो स्पिनिंग स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए और उसका जो ड्रम आता है वो स्टेनलेस स्टील का आना चाहिए। अगर आप फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो आपके घर के ऊपर 7 फीट, कम से कम 7 फीट वॉशिंग मशीन के ऊपर आपको वाटर टैंक रखना पड़ता है और वॉशिंग मशीन के करीब एक फिक्स्ड नल लगाना पड़ता है ताकि वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली वाटर कंज्यूम कर सके। तो गाइस, आपको फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदनी है वो भी सैमसंग के आपके माइंड में है, तो चलिए अब हम सैमसंग के बारे में टोटल रिव्यू लेते हैं, फुली इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आपको ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन क्यों खरीदनी चाहिए आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इसे अंदर से खोल कर देखते हैं। इसकी जो ये वॉशिंग मशीन का मेन डोर आता है, ये इसकी जो ग्लास है वो स्टपन ग्लास में, ये इस पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते। यहाँ पर आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, 3-स्टार रेटिंग में है और इसकी पावर सेविंग की मोटर है। इसकी एनर्जी कंज्यूम्शन है वो, इसकी एनर्जी कंज्यूम्शन जो है 0.0157, मतलब बहुत कम है। इसके हिसाब से आपको पर ईयर के लिए 200 या 300 लाइट बिल आएगा। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। इसका मॉडल जो है वो WA75A4022FF, ये इसका मॉडल नंबर है। इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो 7.5 kg है और वाटर कंज्यूम्शन है वो 17 लीटर का है। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर WA75A4022F एंड इसका और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे आपको इनलेट पाइप जोड़ना होता है, यहाँ पर आपको इनलेट पाइप अटैच करना होता है और एग्जिस्टिंग वाटर जो आपका वेस्ट वाटर है वो यहाँ पे आपको वो पाइप अटैच करनी होती है। तो गाइज, ये जो वॉशिंग मशीन है ये 7.5 kg की है और ये उबली टेक्नोलॉजी में है। सैमसंग के इस मॉडल में उबली टेक्नोलॉजी है। इसके उबली टेक्नोलॉजी क्या है अब हम इसे देखते हैं। अगर ये आप वॉशिंग मशीन लेते हैं तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, इसका जो ड्रम है वो स्टेनलेस स्टील में आना चाहिए। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, ये आप वॉशिंग मशीन लेते हैं तो आपके घर के ऊपर कम से कम 7 फीट ऊपर आपके वाटर टैंक होना चाहिए और इस वॉशिंग मशीन के पास एक फिक्स्ड नल होना चाहिए ताकि ये वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली वाटर कंज्यूम कर सके। तो चलिए गाइस, हम इसके पैनल की सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उससे पहले हम इसे अंदर से खोल कर देखते थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे और कौन से पाइप दिए हुए हैं। यहाँ पर गाइस, ये आप देख सकते हैं ये हेनीकॉम पैड है, ये आपको वॉशिंग मशीन के नीचे थर्मास निकाल के आपको वॉशिंग मशीन में चूहे वगैरह जाकर वॉशिंग मशीन की मोटर को डैमेज ना कर सके, इसके लिए आपको ये नीचे अटैच करना होता है। और आपको
और आपको ये वारंटी कार्ड और मैनुअल दिया हुआ है। इस मैनुअल में सभी इंफॉर्मेशन दिए, ये आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद जो है वो इनलेट पाइप दिया हुआ है, ये आप इनलेट पाइप देख सकते हैं, मैंने बताया वहाँ पर आप इसे नल से अटैच कर, आपको ये नल से अटैच करना है। इसके बाद आपका जो वेस्ट वाटर है, डर्टी वाटर है के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, ये आपको पीछे अटैच करना पड़ता है। तो गाइज आपको यहाँ पे दिखाई देगा उबली टेक्नोलॉजी। तो उबली टेक्नोलॉजी क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, इस टब जो है यहाँ पर आपको ये टब जो दिखाई दे रहा है, इस टब में आपको ये दो व्हील्स दिखाई दे रहे होंगे। इसके हिसाब से कपड़े घुसलते समय एक दूसरे में फंस नहीं जाते हैं, वो अलग अलग रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्रम जो है वो स्टेनलेस स्टील का है, डायमंड कट है ये इस ड्रम में। इसकी वजह से आपके फैब्रिक को कोई नुकसान नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप डिटर्जेंट रखने के लिए एक अलग से कंपार्टमेंट बनाया गया है। यहाँ पर आपको डिटर्जेंट रखना है, कपड़ों के हिसाब से कितना डिटर्जेंट रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद आपको एक बार कपड़े डाल देने के बाद डोर क्लोज कर देना है, और यहाँ पे आपको पावर का बटन दिखाई दे रहा होगा, पावर का बटन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद सभी ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। हाईलाइट हो जाने के बाद आपको यह फंक्शन का बटन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको देख सकते हैं थ्री फंक्शन से, वॉश है के, रिंस है के, स्पिन है। आपको वॉश करना है तो एक बार इसे दबाना है, रिंस करना है तो दो बार, स्पिन करना है तो थ्री बार दबाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं तीनों ऑप्शन एक ही साथ, अपने कपड़े धोने के लिए आपको तीनों ऑप्शन एक ही साथ यूज़ करना है तो आप तीनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिशनल सिस्टम जो आती है वो ये, आप इस वॉशिंग मशीन में मानसून का ऑप्शन दिया हुआ है। कपड़े सूख नहीं पाते हैं तो एक्स्ट्रा हीटिंग, एक्स्ट्रा सूखने के लिए यहाँ पर आपको मानसून का बटन दिया हुआ है, ये इस वॉशिंग मशीन में एडिशनल पार्ट है। तो गाइज यहाँ पर आपको वाटर लेवल दिखाई दे रहे हो कि ये वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली वाटर कंज्यूम करती है, लेकिन अगर आपके घर में पानी कम है, आपके टैंक में पानी कम है तो अपने हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिखाई दे रहे होंगे, वॉशिंग साइकिल्स, ये यहाँ पर 6 वॉशिंग साइकिल्स है आप देख सकते हैं। यहाँ पर साइकिल को रन कैसे करना है, यहाँ पर आपको साइकिल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको नॉर्मल कपड़ों को धोना है तो साइकिल नंबर 1 सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो क्विक वॉश है। अगर आपको कपड़े जल्दी धोने हैं तो आपको, अगर आपको डेलिकेट्स कपड़े धोने हैं तो आपको यहाँ पे थर्ड प्रोग्राम पे रखना होगा। आपको ये यहाँ पे सोक एंड नॉर्मल का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको कपड़े ओले करके अपने हैंड से धोते हैं वैसे धोने हैं तो यहाँ पर आपको ये प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, सोक एंड नॉर्मल। यहाँ पर आपको एनर्जी सेविंग का बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लाइट कंज्यूम करता है तो ये आपको एनर्जी सेविंग बटन ऑन करना है। यहाँ पर आपको 6 नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इको टब क्लीनिंग। इसमें क्या होता है, पूरी तरह से जो टब है वो क्लीन हो जाता है। इस ऑप्शन में आप चलाते हैं, इस ऑप्शन में आप चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा टब क्लीन हो जाता है। डेली एंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस ऑप्शन में क्या होता है, अगर आपको फास्ट कपड़े धोने हैं, जल्दी धोने हैं तो आपको इसे दबाना है। ये इसके हिसाब से आप अपना टाइमिंग सेट कर सकते हैं और अपने कपड़े जल्दी धो सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं और कोई भी बटन दबा देने से मशीन बंद हो सकती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फंक्शन प्लस मानसून ये दो बटन 3 सेकंड के लिए दबा कर रखनी है। 3 सेकंड में ये मशीन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्टार्ट के नीचे पॉज दिया हुआ है, पॉज का बटन दिया हुआ है। अगर आपने कपड़े एक बार धोने के लिए डाल दिए लेकिन आपको और भी डालना बाकी था, कुछ रह गए हो, तो आपको यहाँ पर पॉज करके आप बाकी के कपड़े अंदर डाल सकते हैं। आप इसे अंदर से और एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये टब जो है वो स्टेनलेस स्टील का है, और इस टब में आपको एक एडिशनल पार्ट दिखाई दे रहा होगा, वो पार्ट है मैजिक फिल्टर। आपके कपड़ों में कुछ गंदगी हो
वो इसमें इसमें आ जाएगी, ये गंदगी निकल कर इसमें आ जाएगी और उसे आपको खोलकर इसे क्लीन करना है। ये एडिशनल पार्ट इस वॉशिंग मशीन को दिया गया है। तो गाइज आपको ये वॉशिंग मशीन अच्छी लगी होगी और आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो गाइज आपको ये वॉशिंग मशीन अच्छी लगी होगी और आप इसे खरीदना चाहते हैं तो वोडूज मौर्या इलेक्ट्रॉनिक्स वोडूज में आप इसे खरीद सकते हैं। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। गाइज इसकी कीमत है 22,000, लेकिन ये आपको सिर्फ 20,000 में मौर्या इलेक्ट्रॉनिक्स वोडूज में मिल जाएगी। गाइज अगर आपके घर में 5-6 पर्सन है, अपनी फैमिली में 6 लोग हैं, तो आपको इसे ज़रूर लेना चाहिए। ये सैमसंग का बेस्ट मॉडल है, ये आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और बाकी सारी वॉशिंग मशीन के डेमो रिव्यू मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं।